हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब हरियाणा की वीडियो हमारी चल रही है, एक एक करके, एक एक दो दो दिन लग रहे हैं थोड़ा सा, एक्चुअली आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से आज जो है हम डिस्कस करेंगे पूरा महेंद्रगढ़ के बारे में। पिछला वीडियो में जो हमने जो डिस्कस किया था करनाल के बारे में, एक वहाँ पे मिस्टेक थी, थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। वैसे कमेंट सेक्शन मैंने दे दिया था, इब्राहिम लोधी का जो टॉम्ब था उसके बारे में, तो वो जो है पानीपत में है एक्चुअली, ठीक है, वो करनाल के अंदर नहीं है। तो वो ये एक रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, तो उसको गलत मत कीजिए आप, ठीक है। वो मेरे से गलती से जो है करनाल में डाल दिया गया, वो पानीपत में है उनका टॉम, इब्राहिम लोधी का, तो याद रखिए इसको, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपको, जो है कोई भी क्वेरी हो, देखिए मैं सबकी क्वेरी को सोल्व करता हूँ। मेरे पास दिन में 10 मेल तक आ जाते हैं, तो सभी के मेल का मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आप यहाँ पे मेल आईडी पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना मेरी कैपेबिलिटी है मैं आपको सोल्व कर सकूँ, क्योंकि देखिए काफी बार हमारी क्वेरीज होती हैं उसी के कारण हम स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेरीज को जरूर जो है रेक्टिफाई, जो है पूरा रेक्टिफाई नहीं, यानी कि उसको जो है सोल्व कर लीजिए। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे आप जरूर आ जाइए, डिजिटल आईएएस करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पे मैं वीडियोस भी डालता ही हूँ, जो अपनी वीडियो बना रहा हूँ उसके साथ साथ जो है मटेरियल भी, जहाँ जहाँ से मुझे अच्छा मटेरियल मिलता है। देखिए मटेरियल बहुत है, मटेरियल आपको अनलिमिटेड मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आपको वो मटेरियल जो आपके काम आने वाला है, जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वही मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। चलिए, तो आज डिस्कस करेंगे हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। पहले लोकेशन देख लीजिए महेंद्रगढ़ के कहाँ पे है, ये देखिए ये महेंद्रगढ़ है, ठीक है, ये पूरा जो दिख रहा है। और ये कौन सी एरिया में पड़ता है, अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट ये एरिया पड़ता है। और बिल्कुल ये यहाँ पे देखिए राजस्थान से टच होता है, राजस्थान से, तो ये है महेंद्रगढ़ हमारा। बस लोकेशन याद रखिए, ऊपर से जो है थोड़ा दादरी से टच होता है, इधर थोड़ा सा भिवानी से, छोटा सा पार्ट जो है भिवानी से टच होता है इसका, रेवाड़ी से तो होता ही होता है, थोड़ा सा पार्ट इसका झज्जर से भी, यहाँ से जो है ऐसा मान ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो झज्जर से भी थोड़ा सा पार्ट इसका टच होता है। चलिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं पहले महेंद्रगढ़ के बारे में। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, तो महेंद्रगढ़ को बोलते हैं सिटी एंड म्यूनिसिपल कमेटी इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, एक सिटी है, म्यूनिसिपल कमेटी है यहाँ पे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो अर्लियर नेम था ना, अर्लियर नेम था कनोड, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। पुराना नाम जो महेंद्रगढ़ का था कनोड था, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, अर्ली 1860s के आसपास। देखिए ये बोलता है इट वॉज रीनेम्ड आफ्टर महाराजा महेंद्र सिंह, महाराजा महेंद्र सिंह के नाम पे जो है इसको बाद में चेंज करके महेंद्रगढ़ किया गया। देखिए राजा महेंद्र सिंह क्या थे, इन्होंने जो है जब इंडियन रिबेलियन हुआ, आपको पता है 1857 की क्रांति हुई, तो उस टाइम जो है राजा महेंद्र सिंह ने जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनको जो है काफी मदद की थी, तो उनके ही नाम पे जो है उन्होंने ये गिफ्ट कर दिया था, तो उन्हीं के नाम पे जो है ये नाम पड़ा था इसका महेंद्रगढ़, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पूछी नहीं जाती, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि पुराना नाम क्या, किस नाम से पुराने नाम से जाना जाता था, कनोड इसको बोलते हैं। 5 तहसील है, देखिए नारनौल है एक तहसील, कनीना, नांगल चौधरी, अटेली और महेंद्रगढ़, तो ये 5 जो है तहसील है। इसके अलावा बात करें तो एक दोहन रिवर भी है यहाँ पे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोहन रिवर जो एक सीजनल रिवर है, सीजन के टाइम यानी कि जब बारिश ज्यादा होती है तभी जो है ये दिखती है, और ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे ये बिल्कुल खत्म होती जा रही है। दोहन रिवर कहाँ पे है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर। इसके अलावा अगर और बात करें तो देखिए बेसिक काम जो है वो सारा काम जो है सब कुछ नारनौल के अंदर ही होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम वगैरह हेडक्वार्टर है, ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम है वो महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं होता, वो नारनौल के अंदर होता है, जो एक तहसील है महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ को देखिए सिटी ऑफ मिनरल्स, सिटी ऑफ मिनरल्स भी महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, खनिजों का जो है एक तरह से शहर माना जाता है इसको, ठीक है, काफी खनिज यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात करें तो योगा गुरु रामदेव जो है वो आपको यहीं पे मिलते हैं, ठीक है, यानी कि यहीं से बिलोंग करते हैं योगा गुरु रामदेव। इसके अलावा यहाँ पे गुजरमल मोडी, ठीक है, या मोदी भी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, सॉरी, जो मोदी जो फाउंडेशन है, जो इंडस्ट्रीज है, वो भी जो उनके मालिक है गुजरमल मोदी, वो भी जो है यहीं से बिलोंग करते हैं महेंद्रगढ़ से, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में मराठा जो रूलर थे तात्या टोपे ने वहां पे इन यहाँ पे जो एक फोर्ट भी, एक किला भी बनाया है, ठीक है। ये देखिए वो बता रहे हैं फिर महेंद्र सिंह के नाम पे महेंद्रगढ़ का जो नाम पड़ा है। देखिए एक और चीज़ मानी जाती है, ये जो नाम है फोर्ट का, ठीक है, ये कैसे आया, ये बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस नेम ऑफ दिस फोर्ट, इस जो फोर्ट बनाया गया है, ये फोर्ट जो बनाया गया था इसी के नाम पे जो है महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा है। तो अलग अलग जो है थ्योरीज हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम कैसे पड़ा, ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं ज़्यादा।
इसके अलावा कहते हैं कि देखिए पहले महेंद्रगढ़ को बनाने के बाद फिर रेवाड़ी बनाया गया, ठीक है, तो इससे कुछ कुछ जो है बाइफर्केशंस की गई, ठीक है, जैसे रेवाड़ी और बावल तहसील है वो महेंद्रगढ़ से ले लिया गया, और कोसली जो है वो ले लिया गया, कुछ कोसली तहसील जो है वो रह गया, 10 गांवों को जो है अलग कर दिया गया, जो रोहतक में मिला दिए गए, तो इस तरह जो है अलग अलग चीज़ें हुई, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं बाद में जो है पहले महेंद्रगढ़ के अंडर ही रेवाड़ी था, लेकिन रेवाड़ी को 1989 में अलग कर दिया गया। इसके अलावा 3 सब डिवीज़न है इसके, ये याद रखिए, नारनौल, महेंद्रगढ़ और कनीना, ठीक है, नालौल, महेंद्रगढ़, कनीना, 3 सब डिवीज़न है, 5 तहसील है, राइट। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज की बात करें, तो हवाई चप्पल बहुत ज्यादा बनाई जाती है, जो हवाई चप्पल आप पहनते होंगे ये महेंद्रगढ़ के अंदर काफी जो है प्रोडक्शन इसकी काफी होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए ऐसा माना, ऐसा जो है मानते हैं, एक फैक्ट है ये कि डिस्ट्रिक्ट ऐसी एक इकलौती डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर कोई भी नेशनल हाईवे से कनेक्ट नहीं होती है, कोई भी नेशनल हाईवे जो है महेंद्रगढ़ से कनेक्ट नहीं होता। इसके अलावा दोसी की पहाड़ भी है यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है अरावली का, महेंद्रगढ़ के अंदर कहाँ पे दोसी की पहाड़, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे हम, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल भी है यहाँ पे, मस्टर्ड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, सरसों का जो है प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानी जाती है महेंद्रगढ़ के अंदर, पूरे हरियाणा में सरसों की प्रोडक्शन महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा देखिए जो इंग्लिश एक तरह से राइटर थे विंसेंट स्मिथ, इन्होंने तो नारनौल को जो है लैंड ऑफ शेरसुरी भी कहा गया, क्योंकि शेरशाहसुरी जो है यहाँ पे काफी जो है काफी चीजों को प्रोडक्शन करते थे और जो है इसको काफी इंपॉर्टेंट मानते थे, इसलिए जो है ऐसा भी मानते हैं कि ये शेरशाहसुरी की जो है जमीन है, ये पूरी नारनौल वाली लैंड ऑफ शेरशाहसूरी। और नारनौल को देखते लैंड ऑफ पॉन्ड्स और वेल भी कहा जाता है, यानी कि बावड़ी, बावड़ी बोली जाती है वैसे वो, ठीक है, बावड़ी जो है, अब बावड़ी अब कैसे जो है एक तरह से पूरा तालाब की तरह ही होता है, तालाब नहीं, जैसे कि क्या होगा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं तालाब, उसके बीच में ऐसे तालाब सा बनाया जाता था, तो ये होता था मुगल इरा के टाइम, उस टाइम होता था और पहले भी होता था, तो उसको बावड़ी बोलते थे, एक तरह से तालाब या वेल का ही कुएं की तरह काम करता है, तो इसलिए माना जाता है कि लैंड ऑफ पॉन्ड एंड वेल्स भी है, ये बावड़ी का नगर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बावड़ी है यहाँ पे, क्योंकि देखिए पानी की अवेलेबिलिटी कम रहती थी, तो ऐसे नीचे से पानी निकाला जाता था या फिर ऐसे स्टोर किया जाता था पानी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए। एक तरह से बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी है नारनौल के अंदर, स्लेट के जो पत्थर हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से, बहुत जगह स्लेट के पत्थर काफी निकलते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट प्लेस की बात करें, देखिए चोर गुंबद बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, चोर गुंबद जिसको साहूकार गुंबद भी कहा जाता है, ये देखिए क्या है, ये शहर से थोड़ा सा बाहर बनाया गया था, ठीक है, और ये बनाया किसने था, ये अफगान के एक रूलर थे जमाल खान, उन्होंने यहाँ पे एक तरह से टॉम स्टोन की तरह इसको बनाया था, अपने ही टॉम स्टोन की तरह, लेकिन क्या हुआ ये शहर के बाहर था, तो यहाँ पे जो चोर वगैरह बहुत ज्यादा छुपने लगे इसके अंदर, साहूकार गुंबद के अंदर, तो जब छुपने लगे तो इसका नाम जो है चोर गुंबद पड़ गया, तो याद रखिए इसको चोर गुंबद कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के अंदर, इसको साहूकार गुंबद भी कहा जाता है। इसके अलावा जल महल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जल महल है, इसको 1591 में शाह कुली खान ने बनाया था, ऐसा माना जाता है कि देखिए हेमू को पकड़वाने में जो है शाह कुली खान ने बहुत बड़ी मदद की थी, जो सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की उसके अंदर, तो इसी चीज को देखते हुए अकबर ने जो है इनको ये गिफ्ट में दे दिया था नारनौल का, ये जो एरिया है ये एरिया, और तो यहाँ पे जो है शाह कुली खान ने जल महल भी बना लिया, ठीक है, ये वाला जल महल आपको दिखाई दे रहा है, तो याद रखिए चोर गुंबद हो गया, जल महल हो गया। इसके अलावा छत्ता राय बल मुकंद दास, ठीक है, छत्ता राय बल मुकुंदा, छत्ता क्या होता है, देखिए ऐसे जो छत्ता, ये हमारे हरियाणा में तो आप समझ रहे होंगे, अब हरियाणा से बाहर है तो मैं नहीं बता सकता आपको, उसको बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि बीरबल ऐसा माना जाता है कि अकबर के टाइम बीरबल यहाँ पे काफी दिन जो है रुके थे, और ये बनाया किसने था, ये बनाया था दिव्य राय मुकुंद दास ने, जो है नारनौल के ये जब शाहजहां के टाइम में ये जो है बनाया गया, फिर जो है यहाँ पे बीरबल आके भी रहे, तो इसलिए जो है इसको बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस है या बोल सकते हैं टूरिस्ट प्लेस है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ देखिए मंदिर वगैरह भी देख लेते हैं, एक है मंदिर चामुंडा देवी, काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है ये भी, ये ऐसा माना जाता है कि देखिए राजा नौरकर्ण जो है, राजा नौरकर्ण जो इस एरिया का रूलर था, ठीक है, तो उन्होंने वो चामुंडा देवी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने ये चामुंडा देवी जो है मंदिर बनाया, और ये बॉटम हिल्स जो है दोसा की पहाड़ी है वहां के नीचे आपको ये मिलेगा, और ये माना जाता है कि हार्ट ऑफ सिटी है, एक तरह से सिटी का पूरा ये
दिल की तरह, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मुगल के कंट्रोल में आ गया, फिर इसको मॉस्क बना दिया गया, ठीक है, जामा मस्जिद की तरह बना दिया गया, फिर यह बिगेस्ट मस्जिद था नारनौल का, ठीक है, और किसके ऊपर, टेम्पल चामुंडा देवी के ऊपर। तो इस तरह कंस्ट्रक्शन होती रही, लेकिन हमें मंदिर चामुंडा देवी के ही उस पर याद रखना है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भरता है रामनवमी के टाइम, रामनवमी के टाइम बहुत बड़ा, बहुत लोग आते हैं आसपास से, तो बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, तो बहुत बड़ा यहाँ पे मेला भी लगता है। उसके अलावा मोटा वाला मंदिर, ठीक है, ये कहते हैं ये सिर्फ ऐसा मंदिर है जहाँ पे आसपास के सभी जो हिंदू फैमिलीज हैं वो यहाँ पे आती है और शिव भगवान की जो है पूजा की जाती है। और रक्षाबंधन पे यहाँ पे भी मेला भरता है, ठीक है, मेला भरना मतलब जब फेयर, हमारे यहाँ पे हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोसी की पहाड़ियों के बारे में मैं बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, देखिए नारनौल से 8 किलोमीटर दूर है, इतना आपको फैक्ट याद नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विलेज थाना और कुलटाजपुर वहां के आसपास जो है लोकेटेड है। इसमें देखिए क्या था, एक चवन ऋषि थे, चवन ऋषि याद रखिए इसको, वो यहाँ पे अपना जो है तपस्या वगैरह करते थे। तो उनके ही जो है, उनके ही पूरी जो हिल है उनके ही नाम पे जो है, नाम पे तो नहीं, यानी कि उनके ही उस पे पूरा चलती है आज भी, कि यहाँ पे जो है चवन ऋषि रहते थे। और ऐसा माना जाता है बहुत बड़ा मेला सोमवती अमावस का जो है मेला भी यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज होता है। इसके अलावा ये बोलते हैं बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, तीर्थ तीर्थ है एक तरह से, लोग तीर्थ मान के यहाँ पे आते हैं। शिव का मंदिर भी है, टैंक भी है और कुआं वगैरह भी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा माना जाता है जब इस कुएं के अंदर या जब कोई बात लेते हैं तो ऐसा माना जाता है जो भी उसके जो भी उसने गलत काम किया है, या तो एक तो वो लक्की भी हो जाएगा, साथ साथ में जो उसने गलतियां की हैं लाइफ की, जैसे गंगा के अंदर ना के आपके सारे पाप धुल जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी ये मान्यता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो गुफा है जिसके अंदर ऋषि जो है, चवन ऋषि जो अपना तपस्या करते थे, वो आज भी बनी हुई है। और देखिए आपने चवन प्रकाश का नाम सुना होगा, ठीक है, चवन प्राश जिसको आज बोलते हैं, चवन प्रकाश नहीं, सॉरी, चवन प्राश, ठीक है। चवन प्राश आप खाते होंगे दूध के साथ, ताकि जो है आपको सर्दी वगैरह, जुकाम वगैरह, ये सब बेसिक चीज मतलब बीमारियां ना हो। तो इसी जो है यहाँ पे वो हर्ब मिलती है जिससे चवन प्राश बनाया जाता है, ठीक है, वो जड़ी बूटी यहीं पे मिलती है और इसी हिल्स पे मिलती है, इसलिए ये हिल्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये स्पेशली ये पूरी हिल्स के बारे में बढ़ा रहा हूँ। और ये जो है मेडिसिन की तरह भी काम होती है, और चवन प्राश इससे बनता है जो काफी पॉपुलर है कंट्री के अंदर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कमानिया, ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे जो है शिवरात्रि का जो है मेला जो है ऑर्गेनाइज होता है। फिर कांती है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है दो जो संत थे, ठीक है, बाबा नरसिंह दास और बाबा गणेश दास, तो ये यहीं पे जो है इनका जन्म हुआ था। ये कहते हैं राजा हरि सिंह को जब बच्चा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने जो है काफी उससे को उसकी पूजा पूजा यज्ञ वगैरह वो जो भी किया, उनके बाद जो है उनको जो है चाइल्ड जो है बच्चा हो गया। वो तो ये सब बेसिक चीजें हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे इसी के नाम पे जो बांबा की जो समाधि है ना, वहीं पे बसंत पंचमी के टाइम जो है यहाँ पे भी मेला जो है ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद है महासर, ये कहते हैं ज्वाला देवी का जो मेला है वो यहाँ पे मार्च अप्रैल में महासर के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। तो ये जो गोडेस थी, ठीक है, माता ज्वाला, उसके नाम पे ही ये जो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनको जो है वाइन ऑफर की जाती है, जैसे आप मंदिर में जाएंगे दूध चढ़ाते हैं जैसे शिव जी भगवान के, तो यहाँ पे वाइन ऑफर की जाती है, ठीक है, और देवटी ये खुद बनाते हैं, तो ऐसा माना जाता है। यहाँ मुंडन सेरेमनी भी होते हैं, और जो नए जो कपल होते हैं जिनकी शादी हुई होती है, तो वो इनको आना यहाँ पे जरूरी माना जाता है उनकी हैप्पी और प्रॉस्पर लाइफ के लिए। इसके अलावा मंडोला गांव, ठीक है, मूवी भी आपने देखी होगी मंडोला, तो उसके मंडोला, देखिए मंडोला गांव भी है एक तरह से, वहां पे जो है आपको जो है अगर सांप वगैरह काट लेते हैं ना, तो उसका इलाज किया जाता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक टाइप जो है, ठीक है। और उसके अलावा है शहलोंग, ये भी एक छोटा सा जो एरिया है, और यहाँ पे भी जो है खिमांग देवता का जो है काफी जो है मेला वगैरह ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे लेप्रोसी वगैरह जिसको हो जाती है ना, मिर्गी बोलते हैं शायद हिंदी में, लेप्रोसी हो जाते हैं तो उसको क्योर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, शैलों के अंदर। तो काफी जो है रिलीजियस टाइप आपको ज्यादा समझ आ रही होंगी चीजें, ठीक है। तो यही था इस पूरे आर्टिकल के अंदर पूरा जो हमारा ये डिस्कशन है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमने डिस्कस किया है 2 मिनट में। ये देखिए सबसे पहले कनोड इसको बोलते थे, महाराजा महेंद्र सिंह के नाम पे पड़ा, 5 तहसीलें नारनौर, कनीना, नांगल चौधरी, अटेली और महेंद्रगढ़। दोहन रिवर यहाँ से गुजरती है, ठीक है, मेजर काम सारा नारनौल के अंदर होता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोई भी हो। उसके अलावा सिटी ऑफ मिनरल्स भी बोला जाता है, काफी मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, रामदेव जी यहाँ से बिलोंग करते हैं। तात्या टोपे के टाइम जो है यहाँ पे फोर्ट भी बनाया गया। और इसके अलावा बोलते हैं कि
उसके अलावा तो कुछ नहीं, रेवाड़ी पहले मर्ज था तो रेवाड़ी को अलग किया गया, तीन सब डिवीज़न है, नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना, हवाई चप्पल हो गया, दोसी की पहाड़ियाँ हो गया, कोई नेशनल हाईवे यहाँ से कनेक्ट नहीं होता, अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल यहाँ पे, मस्टर्ड की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, इसके अलावा लैंड ऑफ शेरशाह सूरी किसने कहा था, इंग्लिश विंसेंट स्मिथ ने कहा था महेंद्रगढ़ को, उसके अलावा लैंड ऑफ पोन्ड्स एंड वेल यानी कि बावड़ी का जो है नगर भी कहा जाता है, स्लेट के पत्थर बहुत मिलते हैं, उसके बाद चोर गुंबद, साहूकार गुंबद यहाँ पे है, जल महल यहाँ पे है, छत्ता राय बल मुकुंद दास यानी कि बीरबल का छत्ता भी यहाँ पे मिलता है, इसके अलावा मंदिर चामुंडा देवी और मोडा वाला मंदिर भी यहाँ पे मिलता है, और दोसी की पहाड़ियाँ, ये सबसे बड़ी दोसी की पहाड़ियाँ किस लिए है, च्यवनप्राश जो होता है उसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो है डिस्कशन आज का था, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको इशू लगे, कोई लगे कि जो है कोई और चीज़ आपको मैंने मुझे पढ़ानी चाहिए तो वो भी आप जो है बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।